सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों का, जहां बाराबंकी में नामांकन के पहले दिन सपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी और अन्य प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। नगर पंचायत बाराबंकी, रामनगर, बेलहरा, वही टिकैत नगर, हैदरगढ़ में भाजपा उम्मीदवारों और सभी पार्टियों ने पर्चा भरना आज से शुरू कर दिया है। बता दें कि 24 अप्रैल तक पर्चा भरा जाएगा। वहीं सभी ने अब दाखिला देकर अपना पूरा दमखम दिखाना भी शुरू कर दिया है। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं रामनगर तहसील का ये पूरा तस्वीरें है। अतीक हत्याकांड मामले ने पूरी यूपी को दहला कर रख दिया है। ऐसे में यूपी के नगर निकाय चुनाव भी पहले चरण में होने जा रहे हैं, तो वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच सभी प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव का नामांकन जमा करने सहारनपुर के कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों के मेयर प्रत्याशियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां नामांकन जमा करते हुए विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेता भी मीडिया से रूबरू हुए। प्राथमिकता मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिकता है, हर मनुष्य के, इस शहर के रहने वाले हर नागरिक के जीवन में कुछ सुधार लाना, उसके जीवन में कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ लाना, ये एक प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी से मेरे छोटे भाई हैं और नूर हसन मलिक, उन्होंने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल से आभार करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जो भरोसा उन्होंने हमारे ऊपर जताया, उस भरोसे पर हम खरा उतरे। विधायक जी, नगर निगम चुनाव करने क्या प्रायोरिटी है आप लोगों की, किस चीज़ को लेकर के आए हैं आप लोग? देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो है वो यहाँ की बदहाली के खिलाफ है, यहाँ का विकास है। जिस तरह से हमने विधायक बनने के बाद पूरे सहारनपुर की हर गली का भ्रमण किया, देखा, तो हमें ये महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पिछड़ा कोई जिला है विकास के मामले में तो वो सहारनपुर है। गाजियाबाद में पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि कमिश्नरेट पुलिस ने मोबाइल चोरों की तलाश की तो पुलिस को सफलता मिली। दरअसल लगातार मोबाइल छीनने की वारदातें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने टीमों का गठन कर मोबाइल छीनने वाले गिरोह की तलाश शुरू कर दी, जिसके लिए पुलिस ने अलग से सीसीटीवी खंगालने के लिए अलग से टीम का भी गठन किया। वह इस दौरान लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी को तलाशने के बाद पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच पाई है। देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत सर्किल इंदिरापुरम में तीनों थाने, खोड़ा, इंदिरापुरम और कौशाम्बी में विगत कई दिनों से लूट की घटनाएं हो रही थी, जिसमें कुल हर थाने से टीम गठित की गई थी, सर्विलांस की भी मदद ली जा रही थी और कई सौ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे इन लोगों को पकड़ने के लिए। और मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पे पुनः जो है ये लुटेरे लूट के ध्येय से आने वाले हैं। इनकी नाकाबंदी की गई, घेराबंदी की गई, घेराबंदी के दौरान ये पकड़े गए। पूछताछ में इन लोगों ने, जो हम लोगों ने सीसीटीवी से मैच किया है, थाना खोड़ा, थाना इंदिरापुरम और थाना कौशाम्बी के कुल 17 मुकदमों में ये वांछित थे। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद सभासद पद के प्रत्याशी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। साथ ही ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जो चुनाव होने वाले हैं सबसे नीचे स्तर का चुनाव है, सीधे सीधे जनता से जुड़ा ये चुनाव है और सीधे जनता की समस्याओं से सरोकार रखने का ये चुनाव है। आपको बताते चले कि मुंशी गोरखनाथ टोला के सभासद प्रत्याशी रंजीत सिंह ने जीत का दावा ठोका है। वह जीत का दावा करते हुए कहा कि जो क्षेत्र की स्थानीय समस्या है, जैसे बिजली, पानी, उन सभी को दूर किया जाएगा।
शहरी चुनाव है, इसमें प्राथमिकता यही है कि जो शहर के नागरिक हैं हमारे वार्ड के, उनको साफ सफाई की व्यवस्था जो है कि वो दुरुस्त हो। दूसरे की जो हमारे यहाँ सड़कें हैं वो हमेशा चक्का चौंध रहे, दुरुस्त रहे, लोगों को कोई परेशानी ना हो, नालियाँ जाम ना हो। एवं दूसरा जो भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, अपराध मुक्त, चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, जो भी घटनाएं होती हैं उन पर रोक लगाना, ये सब सारी हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। सरकार की आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे पहला प्रथम कर्तव्य मेरा रहेगा। पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वार्ड नंबर 4 से मुझे बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके लिए बहुत ही बहुत आभार कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं अपने वार्ड का, मेरे वहाँ वार्ड में 2-3 मुद्दे हैं जिसको मैं पूर्ण रूप से मुक्त करूंगा। जिसमें क्या लगता है कि अब जनता आपको क्या रिस्पॉन्स देगी? बिल्कुल, मैं जनता के लिए हूँ, जनता का बेटा हूँ, इसे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकता। खबर औरैया से है जहां नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी अब शहर में दिखाई देने लगी है। जहां चुनावी हलचल भी बढ़ गई है, वहीं प्रत्याशी भी अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए लोगों के घरों पर अब दस्तक दे रहे हैं। साथ ही शहर के मोहल्ला ब्रह्मनगर निवासी रविकांत वाजपेयी ने नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। साथ ही बताया कि आजकल जो चुनाव मैदान में आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, जीत जाने के बाद जनता को ये दोबारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। ऐसे प्रत्याशियों से बचने की भी उन्होंने अपील की है। साथ ही कहा कि यदि वो नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर काबिज होते हैं तो औरैया नगर की सूरत बदल देंगे। इस शहर में विकास के जितने भी कार्य किए गए वो अधूरे पड़े हुए हैं, आप लोगों को दिख भी रहा है, नगरवासियों को भी दिखाई दे रहा है। सड़कें बनी लेकिन अधूरी बनी। जल निकासी की समस्या आज इस शहर में 40 साल से चल रही, आज तक ठीक नहीं हुई। लोगों के साथ जो ठेकेदारी कराई जा रही नगर पालिका के अपने लोगों को दिए जाती है और सड़कें ऊंची कर दी जाती है और मकान नीचे होते जा रहे हैं। विकास के लिए बहुत पैसे आ रहे हैं लेकिन आप देखिए आपके मोहल्ले में कितने बल्ब लगे हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष यो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि प्रकाश के बल्ब कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। नालियों में सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है और सभी लोग परेशान हैं। भंगी 2 दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, इनकी कोई देख रेख नहीं। बहुत मत आता है, सफाई कर्मचारी भर्ती ही नहीं किए जा रहे हैं। हमें बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव वाला प्रत्याशी चाहिए, जैसा कि हमारे मोहल्ले में ब्रह्मनगर से रविकांत वाजपेयी जी को हमने प्रत्याशी बनाया है और हमें आशा है इनसे कि ये हमारे हर मामले में बहुत खड़े ही उतरेंगे और बहुत इन्होंने अपनी जो आर्मी में सेवा की है उस हिसाब से हम लोगों ने इन पर अपना विश्वास जताया है और ये पूर्णतया उसमें सक्षम। पूर्व अगर बात की जाए चेयरमैनों की, क्या स्थिति रही? पूर्व जो चेयरमैन रहे उनकी तो आम जनता को स्थिति पता है, कोई प्रत्याशी है, कोई चेयरमैन है और कोई नगरपालिका चला रहा। नगर निकाय चुनाव को लेकर डोर टू डोर लोग वोट मांगने को निकल पड़े हैं। आइए जानते हैं कि औरैया नगर पालिका का ताज किसके सर बनता है। वहीं अगर बात की जाए तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हो किस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच वोटर अपनी वोट मांग रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पार्टियों की, तो अभी तक किसी का टिकट घोषित नहीं किया गया। आपको बता दें कि 11 मई को औरैया जनपद में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और 13 को वोट खुलेंगे। देखने वाली बात तो ये होगी कि सभी प्रत्याशी अपने अपने वादे कर रहे हैं पर इन वादों पर कौन खरा उतरता है, नगर पालिका का ताज किसके सर पर चढ़ता है, ये 13 मई को देखने को मिलेगा। प्राइम टीवी के लिए जहाँ तक की रिपोर्ट और या। औरैया में रेलवे स्टेशन फफूंद पर यात्रियों की सांसें थम गई। बता दें कि संगम एक्सप्रेस में सामान लेकर चल रहे यात्री का अचानक पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच ही फंस गया। कांस्टेबल लोकेश कुमार ने तत्परता दिखाते हुए दौड़कर यात्री का हाथ खींच लिया और यात्री की जान बचा ली। बताते चले कि यात्री ने कांस्टेबल को धन्यवाद दिया और RPF जवान की सराहना की है।
तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये औरैया स्टेशन की है जहां पर एक कांस्टेबल जो है वो यात्री के लिए मसीहा बना और उसने यात्री की जान को बचा लिया क्योंकि ट्रेन पर चढ़ते हुए यात्री का पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया। आगरा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज आखिरी दिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के महापौर प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने नगर निगम पहुंचे। वहीं सभासद के लिए नामांकन करने को नगर निगम में पार्टियों के कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा और सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए। बीजेपी से महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर नामांकन करने नगर निगम पहुंची। वहीं साथ में नगर विकास मंत्री और प्रभारी AK शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी के साथ नामांकन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही कई पार्टियों के प्रत्याशी ने भी आज नामांकन किया है। प्राथमिकता तो जब मेयर का एक वो होता है आगरा का विकास, मेन मुद्दा हमारा विकास पर रहेगा और जो भी प्राथमिकता है जो नगर निगम के द्वारा बस यहाँ के बासिंदों को जो दे जानी है, मैं 100% उनके साथ हूँ और उनके विकास के लिए कार्य करूंगी। जो आज अभी तक रुके हुए कार्य उनके लिए मैं कार्य करूंगी और जो भी कार्य जो नगर निगम के द्वारा नाली खरीजा रोड आवारा पशु पक्षियों के लिए वो पशुओं के लिए नगर निगम से रुका शुरू हुई क्योंकि आजकल बहुत रोडों पर घूमते हैं और उनके कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं। देखिए आप सब लोगों को पता है कि पिछले काफी दिन से नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन आज नामांकन भरने का लास्ट डे है और आपके संज्ञान में होगा कि पार्टीज के कैंडिडेट बहुत लेट डिक्लेयर हुए, इसलिए आज हमें सभी को मिलकर हमें DM साहब को और सभी ऑफिसर्स को या नगरपालिका में विशेष सतर्कता और विशेष ड्यूटीज लगानी पड़ी हैं कि आज काफ़ी बड़ी संख्या में जो हमारे पार्षद हैं और मेयर के चुनाव के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो काफ़ी भारी संख्या में आज अपना नामांकन करेंगे आखिरी दिन पे। और ये जो ऑफिस है काफ़ी व्यस्तम रोड पे है, MG रोड पे है, तो बाहर की भी ट्रैफिक डाइवर्जन अलग से प्लान की गई है, जो हैवी ट्रैफिक है उसको यहाँ से प्रतिबंधित किया गया है। प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? देखिए बहुत सारी समस्याएं जो मैं अभी घूम रही हूँ देख रही हूँ, उन समस्या को मैं हल करूंगी। किसे टक्कर मानते हैं आप, चुनाव कर रही हैं क्या प्राथमिकता? इस बार टक्कर भैंजी की रहेगी, भैंजी ही हराएंगी सबको। समस्या तो बहुत सारी है आपको, देखिए खरंजे नाली है, नाले भरे भरे भरे, पानी की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ ऐसा है। मैं देखा कली भूमि हूँ मैं और सबकी व्यवस्था जब उनको आशीर्वाद मिलेगा मैं पूरा करूँगा। अभी तक बसपा एक भी बार मेयर की जो सीट है जीत नहीं पाई है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो जीतेगी, इस बार तो इतिहास रचेगी। क्या आधार मान लीजिए कि जीतेगी? मुझे पूरी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं गली मोहल्ले सब घूम रही हूँ, उनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आज हमने अपना नामांकन दाखिल किया है और आप सब लोग ये जानना चाहते हो कि प्राथमिकता क्या रहेगी। मेरी प्राथमिकता ये है कि पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा किया जाए और जनता जनार्दन की सेवा किया जाए और आगरे को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। आगरा में पेयजल सबसे बड़ी समस्या है जी, हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि सारा पानी फ्लोराइड वाला है और मेरा पूरा इस पर ध्यान रहेगा और मैं पूरी गंभीरता के साथ मैं आज मीडिया के सामने कहती हूँ कि मेरी प्राथमिकता इस पेयजल पर जरूर रहेगी। संपूर्ण आगरा का विकास जो कि विकास कभी हुआ नहीं है, सिर्फ अखबारों में विकास होता है, हकीकत में कोई विकास नहीं हुआ। मोहल्लों में चले जाइए, पानी की समस्या, सिवर लाइन की समस्या, समस्या ही समस्या है। तो वो जो विकास है जो कहा गया है हुआ नहीं है और समाजवादी पार्टी आ रही है और मैं मेयर आ रही हूँ बनकर, और विकास क्या होता है समाजवादी पार्टी देख लीजिए आप, कितनी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत टफ सीट है ये, बीजेपी कैंडिडेट से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, क्या लग रहा है इस बार समाजवादी। यूपी के कई जिलों में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। वही अमरोहा नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री शशि जैन ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए नामांकन दर्ज कराया। तो वहीं रायबरेली में नामांकन के आखिरी दिन सदर नगर पालिका परिषद सीट के लिए भाजपा समेत अन्य प्रमुख दलों ने नामांकन किया। इस बार नगर पालिका परिषद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के चलते पुराने दिग्गजों का खेल ही बिगड़ गया। वहीं सपा के विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने अपना प्रत्याशी
प्रत्याशी पारसनाथ को बनाया तो कांग्रेस से शत्रुघ्न सोनकर ने भी आज नामांकन किया है। आम आदमी पार्टी की पूनम किन्नर और बसपा से जेआर वाडले ने कल नामांकन किया था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा के चेयरमैन प्रत्याशी जवाहरलाल जायसवाल को भारी समर्थकों के साथ अपना नामांकन करने हंडिया तहसील पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने जवाहरलाल जायसवाल को विजय बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने दूसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है, पार्टी की सोच और उसके भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा और भाजपा को जीत दिलाऊंगा। तो वहीं आज नामांकन का आखिरी दिन था, इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जनपदों में प्रत्याशी अपना नामांकन करने पहुंचे, तो वही तीन जनपदों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रयागराज, अमरोहा और रायबरेली में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा नेतृत्व करने का मौका दिया है। और मैं पहले भी, मैंने पिछले चुनाव में भी विकास के नाम पे ही वोट मांगे थे और विकास ही मेरा मुद्दा था, जो कि आप लोगों ने 5 वर्ष में देखा होगा, और आगे भी मैं विकास के नाम पे ही इस बार भी वोट लेना चाहूँगी। और जो 45 गांव हमने अभी नए जोड़े हैं सीमा विस्तार में, अब मेरा लक्ष्य यही होगा कि उन सभी गांवों का विकास कराया जाए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी। और जो शहर में जो भी काम मेरे बाकी रह गए हैं, थोड़ा बहुत जल भराव की समस्या है, वैसे तो पहले से अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा 3-3 दिन पानी नहीं उतरता था, और अब 2 घंटे में पानी उतर जाता है, और पूरा अमरोहा में कोई सड़क ऐसी नहीं बची होगी जो हमने नहीं बनवाई, लाइटें लगवाई, और कूड़े के ढेर हुआ करते थे वो समाप्त करवाया। और आगे भी बस मैं यही चाहती हूँ कि अमरोहा का नाम विकास की गतियों को प्राप्त करे, और बहुत सारे महापुरुषों के नाम चौक बनवाए, मार्गों का नामकरण करवाया, तो विकास ही मुद्दा है। और मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि बस कमल का ध्यान रखें, चारों तरफ कमल ही कमल खिलवाएं, और इस बार भी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराऊंगी। यूपी में कहीं कोई खराबी ही नहीं है, हमारे हिसाब से सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, हमारे जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का नारा है उसको यहाँ चरितार्थ होते देख रहे हैं। और हम समझते हैं कि रायबरेली की जनता, चूँकि यहाँ से हमें जिम्मेदारी दी गई, तो मुझे लगा कि बड़ा स्नेह है, और शालिनी कनौजिया के लिए सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सब लोग एक पूरी तरह से वादा कर रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करेंगे और हम फिर से यहाँ कमल खिलाएंगे, क्योंकि कमल ही ऐसा है जो समाज के आखिरी पायदान में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करता है। पंडित दीनदयाल जी के, मैं रायबरेली जनता से अपील करती हूँ कि वो सही कैंडिडेट का चुनाव करें जो आगे चल के उनका क्षेत्र में विकास कर सके, नगर में विकास कर सके, जो अभी तक काम नहीं हुए हैं, अधूरे पड़े हैं, या जो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो चुकी हैं, उनको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी, ऐसा मैं नगरवासियों से अपील करूँ। नाम है आपका? वीडियो बनाना है? मेरा नाम पारसनाथ है, मैं सपा प्रत्याशी हूँ। क्या प्राथमिकता है, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? छोटे छोटे मुद्दे जाएंगे कि जो मुद्दाएं नहीं हुई उसको मैं आगे बढ़ाने के, जो विकास मनोज पांडे ने किया था उसी का मैं दोहराएंगे। हमारा संकल्प है, हम तो 5 साल में 2.5 साल पाया मौका, लेकिन जनता हमारी गवाह है, मैंने 6 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक जनता का सेवा किया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अभी 4-5 महीना पहले हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ने उनके कहने के अनुसार और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने नगर पंचायत आदर्श पंचायत नगर पंचायत आदर्श आ गया है, और वह पैसा भी आ गया है। जनता को फैसला करना है कि आपके नाली नाला साफ करने वाला व्यक्ति चाहिए कि कोठी में रहने वाला आपको व्यक्ति चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। चेयरमैन पद प्रत्याशी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ 5 साल आपका हमारा साथ रहा, और 5 साल की सेवाएं आपने देखी हैं, निरंतर 5 साल हमारे चेयरमैन जवाहर जायसवाल साहब के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं रही हैं
उसकी सराहना भी हो रही है जगह जगह हर वार्डों में, और उसके साथ साथ विकास भी काफ़ी किया है उन्होंने और बहुत सारा संकल्प लेके बैठे हुए हैं। बीच में कोविड पीरियड आ गया था जिसकी वजह से कुछ कार्य रुके रह गए, जिसको बाद में उन्होंने कराया, और भी जो कार्य बाकी है वो इस योजना में कराने का संकल्प है। और आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। पहली बात कि आप लोग चैनल के माध्यम से हर जगह हर कस्बे में जाते हैं, तो ये सेवक हैं हमारे टाउन एरिया चेयरमैन जवाहर जायसवाल जी, सेवक हैं, चेयरमैन नहीं हम लोग कहते। ये हर जगह झाड़ू भी लगता रहता है, वहाँ भी बैठे रहते हैं, तो हमें विश्वास है कि इनके सेवा भाव से हमारा टाउन एरिया फिर हम रिपीट करेंगे और इस बार पिछले वोटों से ज़्यादा बहुमत से हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो जीत पर अपना दावा ठोकते हुए नजर आए और साथ ही साथ अपने जनपदों की जनता से अपील की कि अगर वो उनको वोट देते हैं तो वो अपने प्रत्याशी और अपने जनपद का पूरा पूरा विकास करेंगे। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।